बाड़मेर के नगाना थाना क्षेत्र के जिप्सम हॉल्ट के पास बुधवार को एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद नगाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम खेताराम भील है और वो कवास का निवासी है। मृतक के परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि मृतक खेताराम कम सुनता था, जिससे वो ट्रेन की चपेट में आ गया। बाड़मेर के नगाना थाना क्षेत्र के जिप्सम होल्ड के पास मंगलवार देर रात बाड़मेर जोधपुर सवारी रेलगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी रात भर किसी को नहीं मिली। वह बुधवार सुबह लोगों ने पटरियों के पास युवक की लाश देखी तो पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद नगाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की रिपोर्ट मिलने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। नगाना थानाधिकारी नरपत दान के मुताबिक बुधवार सुबह सूचना मिली कि जिप्सम होल्ड के पास रेल पटरियों पर एक शव पड़ा है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पड़ताल करते हुए मृतक की शिनाख्त की, जिसमें मृतक की पहचान खेताराम भील पुत्र शंकराराम भील उम्र 33 वर्ष निवासी कवास के रूप में हुई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि मृतक खेताराम कम सुनता था, वो जिप्सम होल्ड के पास खेत में मजदूरी का कार्य करता था। मंगलवार देर रात करीब 1 बजे साधारण सवारी रेलगाड़ी जोधपुर से बाड़मेर आ रही थी। इस दौरान जिप्सम होल्ड के पास रेल पटरियां पार करते हुए खेताराम रेल की चपेट में आ गया। खेताराम को कम सुनाई देता था और अचानक रेल आ जाने से वो हड़बड़ा गया, जिससे वो रेल की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। जिप्सम होल्ड के पास कवास से आगे एक डेथ बॉडी म्यूटिलेटेड है, वो पड़ी है और उसकी सूचना पर हम आए वहाँ पर और उच्च अधिकारियों को मैंने सूचित किया। उसके बाद सब की शिनाख्त की गई तो खेताराम शंकराराम भील जो कवास का ही रहने वाला है और खेत में एक हरी वाली कार काम करता था और परिजनों ने जो रिपोर्ट दी उसमें कम सुनता था और थोड़ा उसमें दूरी खेत में और उसके बाड़ में और रेलवे पटरी में कम होने का हड़बड़ाहट से वहाँ का गया। रात का समय था 12 बजे और उसको मर्ग की कार्रवाई की जा रही है। उनकी जिस प्रकार की उन्होंने रिपोर्ट दी है पोस्टमार्टम करवा दिया गया और शव परिजनों को सपोर्ट किया। हादसे के बाद पुलिस की सूचना पर मृतक खेताराम के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। मृतक के परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की।